अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और बस आज सुबह सुबह हम घर से निकल गए थे क्योंकि मैडम का डॉक्टर के पास लेके आया था। आजकल हमारे डॉक्टर्स डे आउट बहुत चल रहे हैं, तो एनीवेज बस ऐसा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे दौर से गुजरते हैं ना, तो एक रिस्क डर लगता है, रिस्क नहीं लेना एक्चुअली। तो इसके कल रात से इसके एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा पेन था, हमें डर था कहीं स्टोन स्टोन कभी धोखे से कभी चीज़ें होती है ना कि यूरिन पास करने में भी हल्का सा पेन हो रहा है, तो वो डर था। बट सोनोग्राफी में ऐसे नॉर्मल मेडिकेशन होगा जो अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी सुबह से हम निकले हैं और फ्रेंकली बोलूँ सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है घर से, हम क्योंकि हम रहते हैं मीरा रोड, यहाँ पे हम आए हैं टाउन में, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, 3 घंटे में हम पहुँचे हैं, ट्रैफिक पीक आवर्स होते हैं ट्रैफिक के। तो हमने सोचा था कि हम निकलते हैं फटाक से और यहाँ पे कैंटीन में खाएंगे क्योंकि यहाँ की कैंटीन में खाना हमें बहुत पसंद है। लेकिन जब खाना खाने गए तो यहाँ पे इतना रश कि लिटरली बाहर तक लाइन लगी थी, बाहर तक 15-20 लोग लगे हुए थे लाइन में। डन? यस डन। चले चलो चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपिका के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल के सामने आई है कि दीपिका की जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से ही होगी। इतनी सारी मेहनत की थी दीपिका ने, बहुत अच्छी डाइट रखती थी, अच्छे से एक्सरसाइज भी करती थी, सब चीज़ का ख्याल रखा, घर वालों ने बहुत ख्याल रखा, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी बल्कि ऑपरेशन से होगी। डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बताते आपको इस वीडियो में। एक्चुअली ये जो भी न्यूज़ है ये बिल्कुल सरासर झूठ है। दीपिका बिल्कुल एकदम ठीक है, उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से करवानी पड़े, अल्लाह की मर्जी से होगी जो भी होगा। लेकिन अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पहले हालांकि मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी मूड स्विंग्स पे भी कंट्रोल है और डाइट तो वो अच्छी रख ही रही हैं, तो भगवान करे कि उनकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से नॉर्मल हो जाए। आप सब भी मिलके दुआएं करना अगर आप दीपिका के फ़ैन हैं, तो उनके होने वाले बेबी के लिए ढेरों सारी दुआएं करना। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखना।